हेलो फोर्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर की एप्लीकेशन कराएंगे, तो ये आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर नोटबुक में करनी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों एप्लीकेशन की किस तरीके से आपको ये लिखनी है। तो सबसे ऊपर आप हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। उसके बाद जो एप्लीकेशन का क्वेश्चन है जो हम आपको देंगे, जिसके बेसिस पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है कि किस को लिखनी है आपको और कितने डेज के लिए लिखनी है, तो ये क्वेश्चन आप लिखेंगे। उसके बाद बच्चों आप एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टू जिसे हम लिख रहे हैं, द प्रिंसिपल एएमएम पब्लिक स्कूल मोदीनगर, 31 अक्टूबर 2020 आज की डेट है, तो मैंने आज की डेट डाल दी है। जब भी आप लिखेंगे उसी दिन की डेट आप ये डालेंगे। सब्जेक्ट की हम किस बारे में एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर सिक लीव यानी बीमारी की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं। रेस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, जो भी आपके स्कूल में है, सर है तो सर लिखेंगे, मैडम है तो मैडम लिखेंगे। उसके बाद इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ये आपको बताने के लिए है कि मैं पिछली रात से बुखार से पीड़ित हूँ। द डॉक्टर हैज एडवाइज मी टू टेक 3 days रेस्ट, डॉक्टर ने मुझे 3 दिनों के रेस्ट की एडवाइस करी है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 3 days लीव फ्रॉम, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे 3 दिन की छुट्टी दे दें। कब से? 31/10/2020 से 2/11/2020, तो 2 नवंबर 2020 तक आप मुझे छुट्टी दे दें। थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। योर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी। यहाँ पर जो ब्लैंक छोड़ा हुआ है यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे, जो भी बच्चा एप्लीकेशन लिख रहा है वो अपना नेम लिखेगा और क्लास में आप अपनी क्लास लिखेंगे। तो ये है आपके बच्चों एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, या आप अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में करेंगे और जहां मैंने स्पेस दिया है वहां स्पेस देना जरूरी है। तो यहाँ आपका बच्चों सिलेबस कंप्लीट होता है सारा। तो आगे हम बच्चों आगे वाली वीडियोस में, आगे वाली ऑनलाइन क्लासेस में हम रिवीजन करेंगे, उसका तरीका आपको बता दिया जाएगा। तो यहां तक आपके सारे सब्जेक्ट्स में आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं आगे की वीडियोस में रिवीजन में। थैंक यू।